अमित जी आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, आप तो आज अमित शाह जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो स्वाभाविक है आप उनके लिए बैटिंग करेंगे। एंकर कैसे बनना है, एंकर कैसे नहीं बनना, अपनी बात रखिए मैडम। आप बीच में तोते जैसे बोलने क्यों लगते हैं? ना ना देखिए देखिए ये आप जिस तरह बैठ करके एक एंकर के बजाय आप एक पैनलिस्ट का रोल अदा करते हैं, ये साफ बता रहा है कि यू पीपल आर द पेड सर्वेंट ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट। देश में न्यूज डिबेट काफी लोग देखते हैं। आज के मीडिया में कुछ एंकर हैं जो सरकार से कम ही सवाल करते हैं और उन्हें बीच में भी कम ही टोकते हैं, पर जब विपक्ष के नेता की बात आती है तो वे टिप्पणी करते हैं और बीच में उन्हें बार बार टोकते नजर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन की। आज हम उनकी वे डिबेट देखेंगे जिनमें उन्हें बीच में बार बार टोकने पर काफी कुछ सुनने को मिला। न्यूज 18 पर बंगाल के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में कांग्रेस के नेता ने जब अमित शाह के इंटरव्यू को लेकर टिप्पणी करने लगे तभी अमीश देवगन ने उन्हें बीच में टोकना शुरू कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस के नेता ने अमीश देवगन को भाजपा का प्रवक्ता बता दिया। गृह मंत्रालय ने की, सीपीडब्ल्यूडी ने की, किसी भी डिपार्टमेंट ने की, आपके सारे सवाल अमित शाह से मैंने बंगाल में आपकी कंगाली पर सवाल पूछा था। अमित जी आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, आप तो आज अमित शाह जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो स्वाभाविक है आप उनके लिए बैटिंग करेंगे। मेरे को अमित शाह के लिए बैटिंग करने की जरूरत नहीं है, अमित शाह अपने लिए बैटिंग करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप अपने लिए बैटिंग करने को तैयार क्यों नहीं है? अमित जी आप हर पैनलिस्ट के बीच में बोल रहे हैं। ना आलोक जी मैं किसी पैनलिस्ट के बीच में नहीं बोल रहा, मैं आलोक जी आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप अपने लिए बैटिंग करेंगे या नहीं करेंगे, या आप भी ममता जी के लिए बैटिंग कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? क्या इस चुनाव में आप ममता जी के लिए बैटिंग कर रहे हैं? आपकी बैटिंग क्या ममता जी के लिए है? क्या आप ममता बनर्जी के प्रॉक्सी है? रुकिए जरा थोड़ा सा जी बोलिए। हम केवल ये पूछना चाहते हैं क्या बीजेपी के गृह मंत्री है वो या देश के गृह मंत्री? 6 महीने से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होने के बाद देश का गृह मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। न्यूज 18 पर बराक ओबामा द्वारा राहुल गांधी को की गई टिप्पणी को लेकर अमीश देवगन ने कांग्रेसी नेता से सवाल किए। जब वह जवाब देने लगे तभी अमीश ने बीच में टोक कर और सवाल पूछने लगे, जिस पर कांग्रेसी नेता ने अमीश को तोता बताया और चुप रहने को कहा। बात बताइए क्या बराक ओबामा ने राहुल गांधी के बारे में जो संदर्भ लिखा है क्या उसमें कुछ बदलाव है, हाँ या ना? वही तो मैं बोल रही हूँ, बोलने नहीं दे रहे हो आप, बोलने मैं तो बोलने दे रहा हूँ, आप इतने 2.5 मिनट बोल रही हैं मैडम। एंड अर्नेस्ट भी बोला है, आप बोल चुके हो तो मैं बोलूँ। अमित जी मैं तरह की ऐसा डिस्कशन नहीं करना चाहती। नहीं आप बोलिए, अपनी बात को रखिए, आपकी बात को कौन रोक रहा है? एंकर बनिए। मैं एंकर ही बन रहा हूँ मैडम, और मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। एंकर कैसे बनना है, एंकर की क्लास उससे लेनी है? आप अपनी पार्टी की बात रखिए ना मैडम, आप सिखाने लगती हैं कि एंकर कैसे बनना है, एंकर कैसे नहीं बनना, अपनी बात रखिए मैडम। आप बीच में तोते जैसे बोलने क्यों लगते हैं? ना देखिए ये देखिए, मुझे तोता बोलने से, मुझे गाली देने से, अगर आपकी पार्टी की 2 सीटें बढ़ती हो तो 2 गाली और दे दीजिए, अगर बढ़ रही हो तो कर दीजिए, यही सब आप लोग करते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, यही लोग आप तो पिछले 6 साल से यही कर रहे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मैडम, देश की जनता सब देखती है। आप एक एंकर को तोता बुलाएंगी? आप बोलेंगे एक एंकर तोता? न्यूज 18 पर मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में अमीश ने समय रैना से इस मुद्दे पर सवाल किया, जिस पर अपने जवाब में उन्होंने अमीश को बार बार गुस्सा होते देख बीजेपी का एजेंट बताया और सही मुद्दों पर चर्चा करने को कहा। संबित आपने अपनी बात को रखा, सुमैया जी का मैं रुख करता हूँ। सुमैया जी मैं आपसे जाना चाहता हूँ, इस देश में धांधली हो रही है, इस देश में अगर अखलाक को मारा गया तो मैंने 10 डिबेटें कर दी अखलाक के ऊपर, इंसाफ नहीं हुआ अखलाक के साथ? फिर देखिए इस देश तो में क्या धांधली क्या हो रही है, जरा समझाइए। का मतलब यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना करके आई है केंद्र में, तब से धांधलियों का दौर शुरू हुआ है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, बिल्कुल गुरेज नहीं है। आप जिस तरह बैठ करके एक एंकर के बजाय आप एक पैनलिस्ट का रोल अदा करते हैं, ये साफ बता रहा है कि यू पीपल आर द पेड सर्वेंट ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट। अच्छा मैडम, आप कह रहे हैं कि आप एंकर का रोल नहीं अदा करते, आप पेड सर्वेंट का रोल अदा करते हैं। मैं किसका पेड सर्वेंट हूँ? मैं तो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, मैंने तो 1947 की बात करी। बताइए ना 1947 में कौन था, 1947 में कौन था सुमैया जी? मैं आपसे न्यूज 18 पर ही पुलवामा पर पाकिस्तान से आए बयान को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में अमीश देवगन ने कांग्रेसी नेता रोहन गुप्ता से सवाल किए। रोहन गुप्ता जब जवाब देने लगे तभी अमीश बीच में बोलते नजर आए, जिस पर रोहन गुप्ता गुस्से में आ गए और उन्हें करारा जवाब दिया।
ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, मैं भाजपा के प्रवक्ता से उसके नहीं, वो लार्जर पॉइंट पे बात करें कि अगर पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो 26/11 उसी तरह 26/11 में आतंकी कैसे आए, मैं लार्जर सरकारों को ही दोष दे रहा हूं, तो दिल्ली की कनॉट प्लेस में बम धमाके कैसे हुए, अगर सरकारों को ही दोष दे रहा है को इस देश के अंदर बम धमाके कैसे हुए, अगर सरकारों को ही दोष दे रहा है, याद करिए 2008-2007 का वो दौर जब हर दूसरे दिन बम धमाके होते थे इस देश के अंदर, याद करिए वो दौर, कितना सॉफ्ट था। आप मेरी बात को खत्म होने दीजिए, आपकी बात आप सबसे ज्यादा बोले, आपकी बात पूरी खत्म होने दे रहे, लेकिन आईएसआई को किसने बुलाया, कौन वहां पे जाके केक खा के आया, बिरयानी खा के आया, सवाल पूछिए आप क्यों भूल जाते हैं, कहां है राष्ट्रवादी, हाफिज सईद को किसने छोड़ा, हाफिज सईद को किसने छोड़ा, भाजपा ने छोड़ा, आईएसआई को यहां पे किसने दावत दी, भाजपा ने दावत दी, वहां पे केक खाने कौन गया, भाजपा गया, उड़ी कहां पे हुआ, भाजपा के शासन में हुआ, पुलवामा कब हुआ, भाजपा के शासन में हुआ, गद्दारी कब हुई, भाजपा के शासन में हुई, आतंकवादी कब पड़े, भाजपा के शासन में हुए। न्यूज 18 पर बिहार में जीत के बाद बंगाल के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में कांग्रेसी नेता बिहार में चुनाव आयोग के अधिकारियों पर टिप्पणी कर रहे थे, तभी अमीश ने बीच में बोलना शुरू किया, जिस पर कांग्रेस के नेता गुस्से में आ गए और अपने जवाब से चुप करवा दिया। 400 की है मुख्यमंत्री के, आप बीजेपी या जेडीयू के लोग नहीं, आप अभी तक रिटर्निंग ऑफिसर की थ्योरी में पड़े हुए हैं। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप अभी तक रिटर्निंग ऑफिसर की थ्योरी में पड़े, आपके नेता आगे बढ़ गए बिहार के, तारिक अनवर कह रहे हैं कि हमारी वजह से ही निपट गया मामला, वो आगे विश्लेषण भी कर रहे हैं कि ओवैसी ने हमें निपटा दिया। प्रत्येक कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर को हमने फोन किया, अन्याय किया तो ठीक नहीं, सुनिए ना, हम अन्याय की बात देखिए बिहार में हुआ क्या है जानिए, ये बात पुरानी हो गई, आप अन्याय कर रहे हैं, सुनना सोमवार से आपका दिन आ गया आपका बोलने का, या तो आप मुझे अवसर मत दीजिए बोलने का, प्लीज आप अवसर नहीं दे रहे, आप इलॉजिकल बात करें कि रिटर्निंग ऑफिसर मिल गया, इतने दिनों तक आप नकाब डाल के रख सकते हैं, किसको नकाब डालूंगा रे, उत्तर भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों पर मुझे बताइए, एक दिन प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 1,25,000 करोड़ के पैकेज में से मैंने कितने पैसे का काम किया, नहीं बताएंगे, वो बंगाल भी जाएंगे तो ये नहीं बताएंगे कि उनकी सरकार का योगदान क्या था। अमीश अक्सर विपक्षी नेताओं को बीच में टोकते नजर आते हैं, जिस वजह से नेताओं को गुस्सा आ जाता है और वे उन्हें डांट देते हैं, अगर वे बेरोजगारी अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर बीजेपी के नेताओं से ही ऐसे सवाल करें तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या वे ऐसा करते भी हैं कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।